हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कूलम्स लॉ। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा, पहले हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, फिर कूलम्स लॉ का हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ना है और हमें परमिटिविटी को डिस्कस करना है कि परमिटिविटी क्या चीज़ होती है। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम देखिए कूलम्स लॉ पढ़ते हैं। तो जो बच्चे प्रीवियस वीडियोस से जुड़े हुए हैं, प्रीवियस वीडियोस देख रहे होंगे, उन्होंने एक चीज़ देखा होगा कि मैंने एक बात बोली थी कि हमें अपना एक चीज पे ध्यान देना है, वो है आपका कि जो चार्जेस होते हैं उनमें कैप्सूल। मैंने आपको बोली थी, क्या समझाया था यहाँ पे, मैंने बोला था अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा यहाँ पे ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। दूसरी बात बुलाई थी, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। अगर दोनों के दोनों निगेटिव चार्जेस हैं, अगर ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो ये रिपेल करता है। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि अगर हमारे पास सेम चार्जेस है वो रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस है तो वो अट्रैक्ट करते हैं। ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, और लेकिन ये क्या करेगा, आपका अट्रैक्ट करेगा। तो हमने बोला था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि भाई अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो फोर्स लगा रहे हैं ना, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर फोर्स लग रहा है तो कितने न्यूटन का लग रहा है। जैसे आप अपने छोटा सा ध्यान दीजिए कि आप दो मैग्नेट को उठा लेते हैं, मान लीजिए आप इस तरीके से दो मैग्नेट पकड़ते हैं, तो मैग्नेट में आप देखते हैं तो अट्रैक्शनल फोर्स लग रहा होता है। अब छोटे मैग्नेट होंगे फोर्स कम लगता है, बड़े मैग्नेट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स ज्यादा लगेगा। तो होता है ना, जब आप एक मैग्नेट को फिक्स रखते हैं दूसरे मैग्नेट को उसके पास लेके जाते हैं, तो आपको लगता है कि यार बहुत नजदीक जाने के बाद चिपकना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ना चिपके, अगर आप चाहते हैं इससे ना चिपकने पाए, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे फोर्स लगा के उसको रोक रहे होते हैं। आप ऐसे करके पकड़ने की, तो जो आप इसको रोक रहे हैं जितनी ताकत से ये इससे ना जाके मिले, वही आपका क्या चीज है। अगर आप चाह रहे हैं ये अट्रैक्ट ना करें, तो उतना जितने फोर्स आप इसको रोक रहे हैं उतने न्यूटन का ये फोर्स लग रहा है इनके बीच में, तो मैग्नेट के बीच में होता है। उसी तरीके से जब हम बात चार्जेस की करते हैं, तो चार्जेस में भी या तो फिर अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है। तो कूलम्ब ने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव किया ये निकालने के लिए कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है। तो देखो इसकी डेफिनेशन अगर मैं वर्बली पहले डिस्कस करूं, तो मैं बोलूंगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर उसके बाद डेफिनेशन होगी। तो देखो बेटा, डेफिनेशन में बच्चा क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ता, बाद में फिर पेपर के टाइम में कंफ्यूजन हो जाता है कि यार अट्रैक्शन था या रिपल्सन था। तो वो कैप्सूल याद रख ले। कैप्सूल क्या थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर दो ही चीजें डिस्कस करनी है कि अगर चार्जेस अपोजिट है तो दे विल अट्रैक्ट, अगर वो सेम है तो वो रिपेल करेंगे। बस तो यहां से देखो डेफिनेशन में इसकी लिख रहा हूं। इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, सपोज मैंने दो चार्जेस ले लिए, एक क्यू वन ले लिया और एक यहां पे मैंने ले लिया क्यू टू, और इनके बीच की डिस्टेंस मैंने बोल दी है आर है। तो अब देखो यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने कोई मैग्नीट्यूड लिख दिया, इनका ऐसा डिफाइन नहीं किया कि प्लस है ये, प्लस है ये, प्लस है ये, माइनस माइनस प्लस, कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। तो पॉसिबिलिटीज है कि पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है दोनों प्लस होंगे तो रिपेल कर लेंगे, दोनों माइनस होंगे तो रिपेल कर लेंगे, एक प्लस होगा दूसरा माइनस, या वो प्लस ये माइनस तो अट्रैक्ट करेंगे। तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो अट्रैक्शन होगा या फिर क्या होगा रिपल्सन। तो स्टेटमेंट क्या है इस लॉ का, स्टेटमेंट अगर मैं देता हूँ आपको, स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, तो वो क्या होता है, देखो स्टेटमेंट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। दो चार्जेस का प्रोडक्ट क्या होगा, ये क्यू वन है क्यू टू है, तो इनका प्रोडक्ट हो गया आपका क्यू वन क्यू टू, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर
ऑफ डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमने क्या कहा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस कौन है क्यू वन क्यू टू है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है आपकी आर है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, ये स्टेटमेंट हो गया आपका। ठीक है, अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहता हूं तो स्टेटमेंट है, इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद अगर मैं अब इसको लिखना चाहूं, स्टेटमेंट के दो पार्ट को उठा के लिखता हूं, देखो यहाँ पे अब मैं यहाँ थोड़ा सा इस जगह पे लिखूंगा और फिर इसे मैं रफ कर दूंगा, आप लोग इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर मैं इसको मैथमेटिकल करता हूं, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन अगर मैं इसका करता हूं, तो मैं क्या डिस्क्रिप्शन करूंगा, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, मैंने कहा कि इनके बीच में एफ फोर्स लग रहा है, लेट एफ बी दी फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स। अब अगर इनके बीच में आपका एफ फोर्स लग रहा है तो उसने बोला जो एफ फोर्स है प्रोपोर्शनल है क्यू वन क्यू टू के, और एफ प्रोपोर्शनल है वन अपॉन आर स्क्वायर के, तो मुझे क्या लिख देना चाहिए, देखो यहां पे एफ प्रोपोर्शनल क्यू वन क्यू टू, इक्वेशन नंबर वन। भाई सिंपल सी बात है, अगर इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, मैग्नीट्यूड कम होगा तो फोर्स कम लगेगा। एक सिंपल एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं कि अगर आप देखिए दो आप मैग्नेट ले लो, छोटे छोटे मैग्नेट है फोर्स कम लगेगा, बड़े मैग्नेट होंगे फोर्स ज्यादा लगेगा। या फिर आप देख लो ग्रेविटेशनल फोर्स, आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर क्या होता है कि भाई एक बॉडी है उसको वो दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है। अब देखो सन है, अर्थ पे फोर्स लगा रही है, अर्थ पे फोर्स लग रहा है सन की वजह से, तो अर्थ उस फोर्स की वजह से सन के अराउंड घूम रही है। तो ऐसा तो है नहीं कोई कि माता जी आके या कोई आदि शक्ति या कोई ऐसा शक्ति उसको घुमा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, किस पे, अर्थ पे लग रहा है, लगा कौन रहा है सन, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो घूम रही है। अब लेकिन अगर मैं एक ऐसे पत्थर ले लूं, एक दूसरा पत्थर ले लूं और सोचूं कि वो घूमने लगेगा, नहीं, फोर्स लगेगा लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड काफी कम होगा, वो इतना नहीं होगा कि उसे डिस्प्लेस कर सके। तो वैसे ही यहाँ पे है, अगर इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड कम है तो फोर्स कम होगा। साथ में दोनों के बीच की डिस्टेंस, अगर दो मैग्नेट पास पास रखें तो ज्यादा फोर्स, दूर रखे जाएंगे तो फोर्स क्या होगा, कम। तो जो लगने वाला फोर्स है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे कर देते हैं क्या, दूसरी जो चीज है हमारी F proportional to 1 upon R square, equation number 2, ठीक है, combining equation 1 and 2, 1 और 2 को combine कर दूंगा तो F proportional क्या हो जाएगा मेरा, Q1 Q2 upon R square है। अब proportionality को हटाना है तो constant चाहिए, तो constant यहाँ पे क्या आता है, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, where 1 upon 4 pi epsilon naught is a constant, ठीक है, its value is 9 into 10 raised to the power 9। अब यूनिट की बात करते हैं 1 upon 4 pi epsilon naught की, तो इधर F है न्यूटन, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और चार्ज की कूलम होती है कूलम इंटू कूलम कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर यूनिट होगी इसके, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। और जो स्टेटमेंट लिखा है दिस इज कूलम्स लॉ, ठीक है, यहां पे एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब आप यहां पे ध्यान दीजिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की मैंने बात की, अभी मैं पहले इसकी थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म डिस्कस करने वाला हूँ, फिर मैं एक वीडियो बना, अभी इसी वीडियो में आगे को जो सेक्शन है वो परमिटिविटी को हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले हम इसके वेक्टर फॉर्म पढ़ लेंगे फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परमिटिविटी को। तो देखिए परमिटिविटी या आप ऐसे देख से चलिए, जैसे आप थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में सोचेंगे कि कॉन्स्टेंट क्यों लेके आते हैं हम लोग, तो कॉन्स्टेंट क्यों लेके आते हैं, मैंने आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर जैसे अगर दो कॉन्स्टेंट आप कह रहे हैं कि ए और बी में रिलेशन दे रहे हैं,
ये 20 है ये 10 होता है, ये 40 होता है ये 20 हो जाता है, ये 60 होता है ये 30 हो जाता है। देन आप देख रहे हैं कि ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, ए इंक्रीज कर रहा है बेटा तो बी भी इंक्रीज कर रहा है, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर आप इक्वलाइज करना चाहते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से करोगे तो 20, 40, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे कॉन्स्टेंट लाना पड़ेगा ए इक्वल टू 2b। तो यहाँ पे मैंने देखा कि इनको इक्वलाइज करना है तो 2 लेके आना है। उसी तरीके से अगर मुझे इसको इसके इक्वल करना था, प्रोपोर्शनल अलग चीज है इक्वल अलग चीज है, तो इक्वलाइज करना था तो एक कांस्टेंट की जरूरत थी, वो कांस्टेंट में ये लेके आ रखा हूँ। आप ध्यान से समझते हैं, जब कूलम्स लॉ को मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं तो वो सिर्फ इस बात पे जोर देके छोड़ देते हैं कि भाई चार्जेस पे डिपेंड करेगा और इसके साथ इनके डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। हाँ करेगा, लेकिन तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बीच का मीडियम। सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंसी है मीडियम है, और आजकल मीडियम पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो हमारा अभी हम ये लिख रहे हैं 4πε0, ये फ्री स्पेस के लिए वैल्यू है। अगर मैं इसके बीच का मीडियम चेंज कर दूंगा तो लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे आपके पास ये दोनों है, इनमें लगने वाला फोर्स मैग्नेट है मान लो, अभी आप लोगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। अब इनके बीच में आप कुछ प्लास्टिक या कुछ रख दो, घर में आपने देखा होगा कि आप लोग खेलते हो तो कभी क्या किया होगा, कभी ऐसे आपने चेयर में या कभी ऐसे कुछ कॉपी रख दी होगी, फिर इनके बीच में फोर्स देखा होगा तो आपको दिख रहा होगा फोर्स कम लगता है, पेजेस लगा देते हैं बच्चे बीच में। तो मीडियम आ गया है बीच में, वो जो कागज आपने लगाया, प्लास्टिक आपने ले लिया, या फिर आपने कुछ लकड़ी वगैरह के बीच में ऐसे करके देखा, तो जो मीडियम आ रहा है, तो मीडियम लगने से आप देखते हैं कि जो लगने वाला फोर्स है वो डिक्रीज कर जाता है। तो बेटा वैसे ही यहाँ पे अगर हम मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे तो लगने वाला जो फोर्स है वो आपका कम हो जाएगा। उस पर अभी मैं परमिटिविटी करके एक टॉपिक करके नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ाने वाला हूँ। तो फिलहाल हमने कूलम्स लॉ देखा, हमने कहा चार्जेस पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, और प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्स्टेंट आ गया 1/4πε0, जो कि एक कॉन्स्टेंट है, उसकी ये वैल्यू होती है, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट रहता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखिए, दूसरी चीज होती है, तीसरी चीज होती है कि किस तरीके से कूलम्स लॉ जो है आपका न्यूटन के थर्ड लॉ को दिखाता है, एक्शन रिएक्शन को। तो वो दो चीजें हैं। तो अभी हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, डेफिनेशन देख ली, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देखा, अब मैं पढ़ने जा रहा हूं इसकी वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म पढ़ने के लिए बच्चों क्या करते हैं, मान लो फिर से वही दो चार्जेस, एक Q1 है एक आपका Q2 है। आप लोग साथ साथ में वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके नोट्स बनाएंगे, लेकिन फिर क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा, बोर्ड छोटा सा है कैमरे में, आप इतना तो हम पढ़ा नहीं सकते बड़े से बोर्ड में लिख के एक वाले सारा लिख दें, इसलिए आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं इसमें वीडियो को रोक रोक के। तो दो चार्जेस है Q1 Q2, इनके बीच की डिस्टेंस हमने R ले ली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल वन ड्यू टू टू, एक पे एक्ट करने वाला फोर्स किसकी वजह से, टू की वजह से, कितना होगा F12। वन पे लग रहा है लगा हुआ टू, F12 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2। अभी मैंने खाली मैग्नीट्यूड लिखा है, ठीक है। F12 means the force acting on one due to two, उसको पढ़ते हैं हम लोग F12, ठीक हो गया। तो जैसे अभी एक एग्जांपल आप लोग समझ सकते हैं, एग्जांपल्स में ध्यान रखो, मान लो आपके स्कूल में ही होता है बच्चों की लड़ाई होती है, कोई मार खाता है, तो ऐसा होता है ना स्कूल में कभी लड़ाई होती है मार खाता है, तो हम पहले पूछते हैं कि मार किसने खाई, फिर पूछते हैं मारा किसने, ऐसा नहीं कि अच्छा यार किसने मार, अरे भाई पता ही नहीं मुझे किसने मार खाई, जिस व्यक्ति ने मारा है वो मेरा इंटरेस्ट का व्यक्ति है या नहीं है, मुझे क्या, मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा ही नहीं किसने मारा। लेकिन उसने बोला कि पहले हम पूछते हैं किसने मार खाई, अगर कोई वो मरियल सा है क्लास का तो उसने कहा रहे तो डिजर्व ही करता है मार खाना, और कोई बढ़िया सा है तो उसने कहा रहे उसको किसने मार दिया, समझ रहे ना। तो ऐसे करके हम लोग देते हैं, तो पहले हम लोग पता करते हैं मार किसने खाई, सेकेंड स्टेप में जाते हैं मारा किसने। तो वैसे F12 कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, एग्जांपल लेके पढ़ोगे तो F12 वन पहले लिखा है, वन पे लगने वाला फोर्स लगा कौन रहा है, टू लगा रहा है, तो F12 मींस वन पे फोर्स किसकी वजह से, टू की वजह से। अब यहां पे मैं आपको एक थोड़ा सा इसको भी कंटिन्यू करते हैं, एक चीज समझ लीजिए, अगर आप किसी वेक्टर को लिखने जा रहे हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और उस वेक्टर की डायरेक्शन होती है।
अगर आप ए वेक्टर डिफाइन कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू डायरेक्शन होती है किसी भी चीज के साथ। अब आपको एफ वन टू को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो मैंने क्या पढ़ाया आपको, कॉन्सेप्ट दिया कि एफ वन टू अगर मुझे वेक्टर लिखना है तो मुझे क्या करना है, एफ वन टू उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन करनी है। अब एफ वन टू बच्चों वन मार खा रहा है, मार कौन रहा है, टू। तो अगर ये घूसा मार रहा है मान लो, तो घूसे की डायरेक्शन ये होगी ना टू से वन की तरफ को, ये है देखिए ये टू से वन की तरफ को, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आर टू वन कैप, टू लगा रहा है वन पे लगा रहा है तो टू वन कैप। कहीं कहीं पे बुकों में यहाँ पे दिखाया रहता है, तो बच्चा सोचता है यार यहाँ पे आर टू वन लिख दिया सर, अरे तो मैं क्यों लिखूँ, मैं यही लिख दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है, टू वन मीन्स डायरेक्शन। अब ये यहां से शुरू करोगे तो आएगा तो इधरी को, तो टू वन टू से वन की ओर को लगेगा। अब ऐसे ही वन टू होता है, चलिए पहले टू वन को ही सॉल्व कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो हमने कहा कि F12 वेक्टर क्या है, 1 पे फोर्स लग रहा है 2 लगा रहा है, डायरेक्शन क्या होगी 2 से 1 की तरफ, तो यहाँ पे R21 कैप आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू लिख देता हूं मैं 1 by 4 by epsilon naught Q1 Q2 upon R square और यहाँ पे R21 कैप, इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिख दी। अब मैंने इसको कैप की फॉर्म में लिखा है और मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, तो फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट, सिंस अभी क्या पढ़ाया मैंने आपको आर टू वन वेक्टर, कोई भी वेक्टर लिखना है तो उसका आपने लिखना होता है, क्या बोला था मैंने, मैग्नीट्यूड इनटू उसकी आपने क्या करनी है, डायरेक्शन लिखनी है। तो यहां से आर टू वन कैप की वैल्यू आएगी आर टू वन वेक्टर अपॉन आर टू वन, ठीक है। अब आपने बेटा देखो इसके बाद आपने क्या करना है, सिंस जो आपका R21 है वो किसके इक्वल है, R R21 मींस 2 और 1 के बीच की डिस्टेंस, और वो R है, R21 की जगह R हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, नाउ R21 कैप इज इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन R, ठीक है। तो आपकी R21 कैप की वैल्यू आपकी हो जाएगी R21 वेक्टर अपॉन R। तो अभी हम यहां से आगे को लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, अभी क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू R21 वेक्टर अपॉन R हो जाएगा। मैंने ये R कैप की वैल्यू उठा के लिख दी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और यहां पे आपका हो जाएगा R21 वेक्टर। तो ये आपके पास निकल के आ गया F12 वेक्टर। तो आपके पास अगर आप इस फॉर्म में लिख के छोड़ देते हैं तो ये भी वेक्टर फॉर्म है, आप इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये भी वेक्टर फॉर्म है, अंतर है छोटा सा, यहाँ कैप की फॉर्म में कैप डायरेक्शन को बताती है और ये पूरी प्रॉपर वेक्टर की फॉर्म में आ गया। तो अब इस तरीके से आप लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब आपने अभी एक ही एंड के लिए निकाला है, आपने निकाला वन पे फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, टू की वजह से, अब टू पे निकालोगे वन की वजह से, तो बच्चों सिमिलरली हो जाएगा। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सिमिलरली लिख दोगे, नहीं तो अगर हम अभी क्लासरूम में, अभी तो एग्जाम दे नहीं रहे, अभी तो हम सीखेंगे प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, सेम चीज मुझे करनी, तो आप अभी क्या करेंगे, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसके बाद मैं इसी में रफ करके आपको सेकंड वाले के लिए करवाऊंगा। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और थोड़ा सा एक बार इसको नजर डाल दें ऊपर ऊपर कि क्या किया हुआ है, और हो सके तो आप अगर प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि पूरा कोर्स कराएगा या इसी को देखना है, तो आपने करना क्या है, आप इसको बनाइए फिर रोक दो वीडियो थोड़ी देर के लिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में आ रहा हूं, फिर वहां जो करने के लिए बोल रहा हूं वो आपको करते रहना है, ठीक है। देखिए द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल वन ड्यू टू टू, अब यहाँ पे टू ड्यू टू वन कर देंगे, टू ड्यू टू वन, ठीक है, टू पे निकाल रहे हैं वन की वजह से, तो अब मार कौन खा रहा है, टू मार कौन रहा है, वन, तो एफ टू वन हो जाएगा, वन टू की जगह ये हो जाएगा बच्चों टू वन क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब आपने एफ टू वन वेक्टर निकालना है, आपने सॉल्व करना है एफ टू वन वेक्टर, तो एफ टू वन वेक्टर आपके लिए क्या चीज होगा, तभी आपने, अब F21 वेक्टर करना है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे F21 आ जाएगा, अब 2 मार खा रहा है, मार कौन रहा है 1, तो डायरेक्शन क्या होगी 1 से 2, घुसा इधर को चलेगा, तो ये डायरेक्शन है ये, तो इसको बोल देंगे हम लोग R क्या 1 टू
कैप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अब आपने निकालना है, देखो F21 वेक्टर निकालना है। F21 का मतलब हो गया कि 2 पे फोर्स लग रहा है, लगा कौन रहा है 1, तो 2 पे लग रहा है, लगा रहा है 1, तो डायरेक्शन आपकी ये हो गई। तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, R12 कैप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका, R12 कैप आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग समझिए, अब अभी तक R21 चल रहा था, मुझे R12, तो R12 वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, इधर भी 12 आ जाएगा, यहाँ भी 12 आ जाएगा, यहाँ भी 12 आ जाएगा, यहाँ भी 12 आ जाएगा, समझ रहे हैं ये सब। अब R12, R12 means 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस, वो भी तो R ही है, तो यहाँ पे R12 R आ जाएगा, इधर 12 लिखते रहो, इधर भी 12 लिखोगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 की जगह इसको 2 कर देंगे। तो आप आराम से अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, F21 फोर्स निकाल लेते, अब F12 निकल रहा था पहले, अब आप लोग 21 निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका 12, यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, बस आपने थोड़ा सा चेंज किया, 21 की जगह 12 लिख दिया। तो पूरा द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू 1, 2 पे निकालना है 1 की वजह से, तो कैसे पढ़ेंगे, F21 2 पे लग रहा है 1 लगा रहा है, ठीक है। तो वैल्यू कितनी होती है उसकी, 1/4πε0 q1 q2 r2। F21 वेक्टर, कोई भी फैक्टर मैंने बोला था मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है, तो मैग्नीट्यूड F21 इनटू डायरेक्शन ये हो गई, ये वैल्यू लिखी और R12 कैप लिख दिया, लग किस पे रहा है, अब आपका 2 पे लग रहा है, लगाएगा कौन 1, तो 1 से 2 की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो फिर R वेक्टर R12 क्या हो जाएगा, R12 इनटू R12 कैप हो गया, तो R12 कैप इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन R12, R12 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस वो R ही होगी, तो R12 कैप is R12 vector upon R, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख दिया हमने, तो ये क्यूब हो गया। तो इस तरीके से हमने F12 vector भी निकाल दिया और F21 vector। अब एक equation number 1 है, एक equation number 1 है, फिर से वही चीज, screenshot ले लो या फिर आप copy में इसको note करिए, फिर equation number 1 और 2 से मैं आगे को समझाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये न्यूटन के थर्ड लॉ को भी शो करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, मैंने क्या निकाला था, F पहले 1-2 वेक्टर निकाला था, F 1-2 वेक्टर था 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square, और यहाँ पे था R 21 cap from equation 1, equation 1 से ऐसा था, ऐसे आपके पास from equation 2 वहां से क्या निकाला था मैंने, F 21 2 पे लगने वाला फोर्स निकाला था, वो था 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square, और यहाँ पे आपका R12 cap हो गया, ठीक है। ये दो चीजें निकाली, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसको समझते हैं, since आप यहाँ ध्यान दीजिए, R12 जो है वो R21 के बराबर है, R12 means 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस और R21 इनके बीच की डिस्टेंस होगी। लेकिन अगर आप बात करते हैं डायरेक्शंस की, अगर मैं R12 cap की बात करूं और R21 cap की बात करूं, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, तो अपोजिट के लिए साइन किसका आएगा, माइनस का। मींस आप कह रहे हैं आर वन टू कैप इज इक्वल टू आर टू वन कैप, बट द साइन इज माइनस बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ दीज टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट, तो यहाँ पे साइन आ गया माइनस का, तो मैं आर वन टू कैप की जगह माइनस आर टू वन कैप लिख सकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एफ 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square into minus R21 cap, इसको बढ़िया करके लिख देते हैं, minus 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square R21 cap हो गया। तो ये जो वैल्यू है 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square R21 cap की बात कर रहे हैं, ये जो चीज है F12 वेक्टर है, is equal to minus F12 वेक्टर, यहाँ पे आपका F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर, कहने का मतलब क्या हो गया भैया, यही तो एक्शन रिएक्शन है, 1-2 पे फोर्स लगा रहा है, 2-1 पे फोर्स लगा रहा है, और एक दूसरे के अपोजिट है। आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो सुन लो, यहाँ पे ये आपका M था, MG आपका डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो हम कहते थे अगर ये टेबल पे या मान लो मेरे हाथ पे भी रखा हुआ है, तो MG डाउनवर्ड लगा रहा है, तो रिएक्शन कहाँ लग रही होगी, अपवर्ड, एम जी डाउनवर्ड, सपोज ये मार्कर नीचे को जा रहा है, एम जी है,
और ये आपकी उसकी रिएक्शन है, तो दोनों एक दूसरे के क्या लग रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट लग रहे हैं। साइन किसका आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का। जब आप खाली लिखते थे तो आर इक्वल टू एम जी लिखते थे, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो फिर आपको माइनस साइन लगाना पड़ता था, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि F12 is equal to F2, मतलब 1 जितना 2 पे फोर्स लगा रहा है उतना ही 2 1 पे लगा रहा है, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो यही दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि भाई ये शो करिए कि कूलम्स लॉ किस तरीके से न्यूटन के थर्ड लॉ को शो करता है, तो आपने इस चीज को डिफाइन कर देना इस तरीके से। अब वेक्टर फॉर्म भी हमने कर ली और हमने ये भी देख लिया कि किस तरीके से न्यूटन के थर्ड लॉ को होल्ड करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिए, जितना भी मटेरियल आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा कंटिन्यूएशन में मैं वीडियोस डालूंगा, और जितना भी पॉसिबल हो पाएगा हेक्टिक शेड्यूल के अंदर टाइम निकलेगा पढ़ाने के लिए तो मैं उतने वीडियोस इसमें डालूंगा। मैं अभी से कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ कि मैं इतने कर दूंगा, लेकिन हाँ मैक्सिमम मैं करवाने वाला हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से हो सकता है इस टाइम पे कोर्स कराने का वो मैं आपको करा के देने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, एक बेटा कॉन्सेप्ट होता है सेंट्रल फोर्स का, सेंट्रल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स अगर एग्जाम में मान लो तुमसे पूछ दिया जाए कि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, तो पता नहीं होगा तो करवाना थोड़ा सा मुश्किल है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन होती है द फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। अब यहां पे मैं चार्जेस पढ़ा रहा हूं तो मैंने चार्जेस ले दिया, नहीं तो टू ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, जैसे मान लो सन है अर्थ है, तो जैसे सन है और अर्थ है उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग जब फोर्स लगता है तो उसको हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। द फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, मैं स्पेसिफिकली डेफिनेशन लिखवा रहा हूं इसके लिए, चार्जेस इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स। तो यहां ध्यान दीजिए, कूलम्स लॉ में जब हम बात करते हैं तो ये जो फोर्स लगता है Q1 और Q2 के बीच में, आप यहाँ पे Q3 होता मान लीजिए, अगर मैं अब तो आपने बना ही लिया यहाँ पे Q3 होता और मैं इस Q3 की वजह से भी Q1 पे देखता, तो बेटा फोर्स हमेशा इस लाइन के अलोंग लगेगा। Q4 होता, मैं Q4 का इंपैक्ट भी Q1 पे देखना चाह रहा हूं, तो उनके बीच में भी फोर्स इस लाइन के अलोंग लगता। तो हम कह रहे हैं कि जो कूलम्स लॉ के अंदर फोर्स लगता है वो दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है, अगर वो दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लग रहा है तो वो सेंट्रल फोर्स है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या पूछ दे या फिर आपको बता होना चाहिए क्या कूलम्स लॉ जो शो कर रहा है वो सेंट्रल फोर्स है, यस ऑफ कोर्स इट इज सेंट्रल फोर्स, ठीक हो गया। तो हमने ये चीज देख ली। अब अभी मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था इससे पहले कि हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर परमिटिविटी को, परमिटिविटी। जैसे मैंने अभी आपके लिए फॉर्मूला लिखा था F=1/4πε₀Q1Q2/r² तो एक सेकंड के लिए आप सोचिए, मैंने आपको बोला था कि जो फोर्स है वो Q1 Q2 पे डिपेंड करता है, दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, साथ में डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तीसरा जो पैरामीटर इंपॉर्टेंट है वो होता है उनके बीच का मीडियम, और मीडियम फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी आपकी गिराती है एप्सिलॉन नॉट, अगर मीडियम होगा तो किसी मीडियम के लिए एप्सिलॉन। तो ये परमिटिविटी एक कौन सा टॉपिक है, फिर इसके बाद यहीं पे हम लोग एक टॉपिक और कर लेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, फिर यहीं पे हम लोग एक और टॉपिक कर लेंगे वो है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परमिटिविटी देखना है हम लोगों ने यहाँ पे, रिलेटिव परमिटिविटी देखेंगे और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखेंगे, तो ये सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको हम देखते हैं, पहले आप सोचिए जरा सा, अभी मैंने जो समझाया था
ठीक है, परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी को अगर मैं डिफाइन करूंगा, परमिटिविटी वो चीज है जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को परमिट करेगी कि कितना फोर्स इनके बीच में लगने वाला है। ठीक हो गया। कहने का मतलब ये है, आप एक एग्जांपल अपने आप में समझिए, जैसे अगर आप घर के छोटे हैं, जैसे मैं अपने घर में छोटा हूँ, तो थोड़ा सा छोटे होते हैं ना, थोड़ा ऐसे बहुत लाड़ प्यार में पड़ रहे होते हैं, लेकिन जब बात करते हैं हम जैसे चीजों की, जैसे मान लो घर में साइकिल है, बचपन में आप ध्यान दीजिए, साइकिल है तो किसका अधिकार होगा? बड़े भाई का। स्कूटी है तो बड़े भाई का अधिकार होगा। तो मान लो दो लोग घर में हो, आप और आपके बड़े भैया, ये लड़कियां हैं, तो वो बहन को सोचा, मैं तो भाई की अपनी अपना दर्द बता रहा हूँ आपको। तो अगर दो लोग हैं तो क्या होगा? अगर बड़ी बहन या बड़ा भाई घर में है तो स्कूटी का अधिकार किसका होगा? बड़े वाले का। ठीक हो गया। अगर आप दो ही लोग घर में हैं और आपको भी स्कूटी चाहिए, बड़े भैया को भी चाहिए, तो आप अगर बोले मुझे ले जाना है तो डर है, अगर भैया को भी जाना है तो डर है कि कब ना मार पड़ जाए, कब कितने न्यूटन का फोर्स तुम्हारे गाल पे ना पड़ जाए, डर लगे रहता। किसी के भाई बहन बहुत अच्छे हो, ऐसा नहीं करते हैं तो मेरा उनको सादर नमस्कार। तो देखो बच्चों, Q1 Q2 अगर हम दो चार्जेस की बात करें, जैसे आप घर में हैं, मैंने बोला आप पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, आप दो भाई अकेले घर में हैं, आप छोटे हैं, तो आप उस समय सोचिए कितनी डर लगती है। और मान लो मम्मी घर में है, आपको भी स्कूटी लेके जानी है, तो मम्मी आपके और आपके भाई के बीच में एक मीडियम का रोल प्ले कर रही है, तो लगने वाला फोर्स उस केस में थोड़ा सा कम हो जाएगा। और मम्मी की जगह मान लो पापा घर में है, तो फिर फोर्स फिर और भी कम हो जाएगा, लगने वाला फोर्स जो आपको डर लग रहा है वो कम होगा। तो परमिटिविटी, जब फ्री स्पेस है, जब घर में कोई नहीं है, तो उस समय आपके लिए एप्सिलॉन नॉट हो गई, मम्मी के लिए उसकी वैल्यू अलग हो गई, पापा के लिए अलग हो। तो उसी तरीके से मीडियम के बीच, दो चार्जेस के बीच में मीडियम हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो लगने वाला जो फोर्स होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक हो गया। वो डिपेंड करता है उस मीडियम की स्ट्रेंथ पे। जैसे मम्मी है, मम्मी मान लो थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम है, एग्जाम्पल के लिए मान लो थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं, तो फोर्स लगेगा लेकिन कम होगा, पापा में फिर फोर्स और कम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है Q1 और Q2 के बीच में, वो इनके बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम के लिए एक शब्द यूज होता है हमारा परमिटिविटी। तो हम इसको एक ऐसे करके सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए कि Q1 Q2 है, इनके बीच में भी वैक्यूम है, ठीक है, तो वैक्यूम के लिए परमिटिविटी कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स वैक्यूम में कितना लगेगा? 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square। ये वैक्यूम है। अब Q1 और Q2 के बीच में अगर मैं बात करने जा रहा हूं, Q1 और Q2 के बीच में मैंने मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया, उसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन। ठीक है, ये मीडियम है आपका, तो वो हो जाएगी 1/4 pi epsilon Q1 Q2 upon r square। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वेश्चन 1 और इसको डिवाइड करता हूँ, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम कर दूं बच्चों, तो क्या होगा? 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर अपॉन 1/4 pi epsilon epsilon Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका Q1 Q2 और r स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया आपका? 1/epsilon naught और यहाँ आपका 1/epsilon बच गया। इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, f वैक्यूम अपॉन f मीडियम इज इक्वल टू epsilon अपॉन epsilon नॉट। epsilon मीडियम की परमिटिविटी है, epsilon नॉट फ्री स्पेस की। इन दोनों का जो रेशियो है उसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब हो गया फ्री स्पेस को आपने स्टैंडर्ड ले लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ, जैसे मान लो बोल रहा हूँ, होता नहीं है ऐसा, फ्री स्पेस के लिए वैल्यू 2 है। ठीक है, आपने कोई मीडियम लिया। ठीक है, मान लो जब आपके घर में कोई नहीं है, तो आपने कहा चलो उस समय हमारी फ्री स्पेस है, भैया और तुम दो लोग हो, तो एप्सिलॉन नॉट उसकी वैल्यू उसकी 2, मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला है। मम्मी है तो 10 हो गई, तो 10 मम्मी के होने का मतलब हो गया कि 5 टाइम्स वो स्ट्रेंथ उनकी ज्यादा है, तो फोर्स को 5 टाइम्स से डिक्रीज कर देंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ जो है, एप्सिलॉन जो परमिटिविटी है, वो 5 टाइम्स ज्यादा है। पापा है मान लो उनके लिए 20 है, तो फ्री स्पेस के लिए 2 थी, वहां 20, तो 10 टाइम्स हो गया। तो रिलेटिव परमिटिविटी हम कंपेयर करते हैं किसके साथ? फ्री स्पेस के साथ। हमें कभी भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलते हैं, उस स्टैंडर्ड से हम सारे लोगों को सारी चीजों को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा स्टैंडर्ड कौन होता है? एप्सिलॉन नॉट, में उससे कंपेयर कर रहा हूं। तो एप्सिलॉन आपकी क्या हो गई? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इसी को इक्वल टू बोलते हैं के। के हो गया आपका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट।
तब यहाँ ध्यान दीजिए, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, इज इक्वल टू के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया आपका एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। तो यहाँ से आप ये डायग्राम, तो चलो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू के, एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन के। समझ रहे हैं? अगर आप कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो फोर्स को के टाइम्स डिक्रीज कर देगा। मींस अगर सपोज इक्वेशन में कह देता हूँ, जैसे आप पहले से समझ लीजिए, के होता है एयर के लिए इसकी वैल्यू, पहले वैक्यूम लिख देते हैं, वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। फिर के की बात करते हैं हम लोग एयर के लिए, एयर के लिए 1.00054 होती है वैल्यू। तो कभी कभी टीचर को आप सुनोगे, आपके क्लास में टीचर्स या फिर अदर बात करोगे भी, तो बोलते हैं कि बच्चों एयर या वैक्यूम, तो बच्चा सोचता है यार एयर तो भी अलग चीज है, वैक्यूम अलग चीज है, तो क्यों करते हैं सेम? क्योंकि उनके लिए के की वैल्यू लगभग सेम रहती है, तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं एयर और वैक्यूम बोल देते हैं। तो के इसके लिए बन रहता है यहाँ। अब जैसे के आपका वाटर के लिए हम बात कर रहे हैं, के वाटर की बात कर रहे हैं, तो वो होता है आपका 80 होता है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास अगर दो चार्जेस हैं, आप ये ध्यान से समझना थोड़ा सा, आपने अगर ये नोट कर ही लिया होगा तो यहाँ समझा देते हैं। अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, Q1 और Q2, और इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, जब इनके बीच में वैक्यूम है, सपोज 800 न्यूटन का फोर्स लगता है Q1 Q2 के बीच में, तो जब आप इनके बीच में आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं मीडियम, ठीक है, सपोज वाटर ही इंट्रोड्यूस कर दिया, वाटर इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 80 है, तो अब फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने, एफ मीडियम इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन के। एफ वैक्यूम कितना था, 80 अपॉन के की, सॉरी वैक्यूम में फोर्स था 800 न्यूटन अपॉन 80, तो 10 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। आप सोचिए आप मीडियम का कितना बड़ा फर्क है, वही Q1 Q2 है, उतनी उनके बीच की डिस्टेंस है जो पहले थी, वही डिस्टेंस हमने अभी भी रखी है, सब कुछ सेम है, सिर्फ हमने एक चीज चेंज की, वो है मीडियम, और मीडियम के चेंज करने से हम लोगों ने देखा कि लगने वाला फोर्स कितना हो गया, 10 न्यूटन हो गया। तो फिलहाल आज के टॉपिक में हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, कूलम्स लॉ की डेफिनेशन, उसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देखा था, हमने वेक्टर लॉ पढ़ा, वेक्टर लॉ के साथ देखा कि किस तरीके से वो न्यूटन के थर्ड लॉ को दिखाता है, उसके साथ हमने परमिटिविटी को डिफाइन किया कि परमिटिविटी या फिर मीडियम किस तरीके से लगने वाले फोर्स को हमारे चेंज कर देता है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें आप देखेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। थैंक यू।